हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूँ इरफान। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो पैंट डबल पैंट एक साथ ही कट करना बता रहा हूँ। दो पैंट एक ही साथ कैसे कट किया जाता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम कपड़े को स्ट्रेट करेंगे, एक सीधा मार्क लगाएंगे। एक इंच 1 इंच इस मार्क में ऐसे निकाल कर रखना है। 1.5 इंच हमारा रेडी बेल्ट आएगा, इसलिए 1 इंच इस मार्क में ऐसे रखना है। लेंथ लंबाई है 40 इंच 40 इंच और हम बॉटम में मार्जिंग रखेंगे 2.5 इंच तुरपाई करने के लिए। लंबाई 40 है, 40 का आधा करेंगे 20 इंच और 2 इंच प्लस करके 22 इंच पर नी सेंटर यानी घुटना का सेंटर का मार्क लगाएंगे। अब ये जो हमने मार्क लगाया है यही सेम मार्क एक और लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ इनसीम का मार्क लगाएंगे, लटक का, जिसको हाई भी बोलते हैं। तो इनसीम का मेजरमेंट है 9.25 इंच, तो यहाँ ऐसे 9.25 इंच पे मार्क लगा लेना है। यहाँ से हम एक आधा इंच या फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे ऐसे। यहाँ से हिप को 4 से डिवाइड करना है। हिप है 39 इंच, चौथा हिस्सा करेंगे 10.25 इंच और यहाँ से 2.5 इंच प्लस करेंगे 2.5 इंच प्लस। अब ये टोटल जितना है इसको हाफ कर लेंगे, एक 20 सेंटर मार्क लगा लेंगे। आप ऐसे भी एक मिडल मार्क लगा सकते हो ऐसे। अब इस मार्क को हम मेजरमेंट करेंगे और ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। यहाँ हम बॉटम मोरी का मार्क लगाएंगे। बॉटम है 13 इंच, 13 का हाफ करेंगे 6.5 और 6.5 का हाफ करेंगे 3.25। 3.25 इंच 20 सेंटर में रखेंगे और यहाँ मार्क लगाएंगे और यहाँ 6.5 इंच पे ऐसे। यहाँ हम नी घुटना का मार्क लगाएंगे। तो घुटना है 17 इंच, 17 का आधा करेंगे 8.5, 8.5 का आधा करेंगे 4.25 इंच, 4.25 इंच यहाँ मार्क लगाएंगे और यहाँ 8.5 इंच घुटना का हाफ 8.5। अब यहाँ से 1.5 इंच अंदर एक मार्क लगाना है, 1.5 इंच पे एक ऐसे मार्क लगा लेना है
और अब इस वाले मार्क को स्ट्रेट वाले मार्क से मेज़रमेंट करना है। ये जितना है बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट ऐसे रखना है और 1 इंच 1 इंच माइनस कर देना है। यहाँ से हम एक 1.25 इंच ऊपर एक ऐसे मार्क लगाकर और यहीं से इसको राउंड करेंगे, गोलाई करेंगे। यहाँ से स्टिचिंग सिलाई का मार्जिन छोड़कर हिप का चौथा हिस्सा करेंगे और प्लस सिलाई के लिए मार्जिन। यहाँ से 3/4 1/4 इंच डाउन करेंगे। वेस्ट कमर है 35 इंच, 35 का चौथा हिस्सा करेंगे 9.25 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन 10.5 इंच। आप सिलाई का मार्जिन 3/4 1/4 इंच भी ऐड कर सकते हो, मैं 1 इंच कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या करना है, 2 सूत यहाँ अंदर ऐसे ले लेना है 1/4 और अब इस तीनों मार्क को मिला देना है। यहाँ बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, नहीं तो पॉकेट के पास अल्ट्रेशन आ जाएगा, फूलेगा। यहाँ हम क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे, तो साइड से 2 इंच पे मार्क लगा रहे हैं 2 इंच और कमर वेस्ट इसका 35 है तो यहाँ से 7.5 इंच। तो फ्रंट हमने कट कर लिया है और अब हम बैक कट करेंगे। बैक कट करने के लिए कपड़े को ऐसे पलट लेना है। यहाँ से 1/2 इंच 1/2 इंच डाउन करके ऐसे एक मार्क लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ भी 1.5 इंच 1.5 इंच। यहाँ हम थाई का मेज़रमेंट करेंगे। हिप के फॉर्मूले से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, इस वीडियो में मैं आपको थाई मेज़रमेंट करके थाई के हिसाब से मार्क लगाना बता रहा हूँ। तो थाई हम 1.5 इंच नीचे मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर मेज़रमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ साइड से भी सिलाई का मार्जिन छोड़कर ऐसे मेज़रमेंट टेप को फोल्ड करेंगे। थाई का मेज़रमेंट है 23.5 इंच 23.5, तो ये 23.5 इंच और ये 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। जब ये सिलाई होगा तो 23.5 रेडी आएगा।
यहाँ हम हिप का मेज़रमेंट करेंगे। तो सिलाई का मार्जिन छोड़कर मेज़रमेंट टेप को हमने ऐसे रखा और यहाँ साइड से भी सिलाई का मार्जिन छोड़कर मेज़रमेंट टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे। और हिप का मेज़रमेंट है 39 इंच, 39 का आधा करेंगे 19.5 और ये आधा इंच लूजिंग, 39 का हाफ 19.5 प्लस हाफ इंच लूजिंग। यहाँ से आधा इंच पे एक मार्क लगाएंगे हाफ इंच। और यहाँ से 2 इंच ऊपर उठाएंगे 2 इंच, 1.5 इंच भी उठा सकते हैं, 1.5 से 2 इंच यहाँ से आपको उठाना है। तो हमने 2 इंच उठाया है 2 इंच। यहाँ से हम कमर का चौथा हिस्सा करेंगे प्लस हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन, कमर का चौथा हिस्सा 9.25 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन, 1 इंच यहाँ से डार्ट के लिए टेकिंग के लिए मार्जिन और 2.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कट करेंगे। अब हम बैक पॉकेट यानी कि हिप पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से 3.5 इंच नीचे मार्क लगाना है ऐसे, कमर 35 है तो साइड से 2 इंच पे मार्क लगाएंगे, कमर 35 है तो इसमें हम 5 इंच का बैक पॉकेट बनाएंगे 5 इंच और इसका एक हाफ कर लेंगे ऊपर से 3.5 इंच। यहाँ हमने टेकिंग का मार्जिन रखा है 1 इंच 1 इंच, तो 1 इंच को यहाँ हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेंगे आधा इंच। आई होप कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।